हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो गाइज़, यह आपकी वेस्टर्न रेलवे की तरफ से भी नोटिफिकेशन आई है, रिसेंटली आपकी नोटिफिकेशन आई हुई है। तो इसमें क्या है, बेसिकली आपका सर्वे एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, हेडक्वार्टर ऑफिस कौन सा है तो चर्च गेट मुंबई का है, क्लियर है। और इसमें आपका इंगेजमेंट किस किस का होना है, जूनियर टेक्निकल एसोसिएट वर्क्स इलेक्ट्रिकल टेली कम्युनिकेशन SNT होता है जो आपका, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। इस पर आपका सर्वे एंड कंस्ट्रक्शन पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी आई हुई है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, बाकी आपके जो भी कुछ डाउट्स होंगे वो मैं आपको बाद में कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, बाकी सारे डाउट हम वहाँ से दूर कर लेंगे, ठीक है। ये देखो आपकी जो डेट है 22/7/2020 को नोटिफिकेशन आई है, और इसको जो ओपनिंग डेट है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 24 जुलाई 2020 आपकी 10 आवर्स से लेकर के, यानी 10 AM से, ठीक है ना। 10 आवर्स का मतलब 10 AM। इसके बाद क्लोजिंग डेट है आपकी 22/8/2020, यानी कि 22 अगस्त 2020 आप ये 9 बजे तक फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। और ये भरना कहाँ से, आपको साइट दी गई है indianrailways.gov.in, यहाँ पर आपको न्यूज़ एंड रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके कॉन्ट्रेक्चुअल JEE CONST, ठीक है, यानी कि इसके बाद में आपको जो कॉन्ट्रेक्चुअल वाला डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाके जो आपकी इंगेजमेंट दी गई है उसमें जाकर के ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, किस किस की वैकेंसी है। तो जूनियर टेक्निकल एसोसिएट वर्क्स इलेक्ट्रिकल SNT, ठीक है ना, इन तीन की आपकी वैकेंसी आई हुई है। एक बार वैकेंसी का ब्रेकअप देख लो, जूनियर टेक्निकल और एसोसिएट की जो वर्क्स वाली वैकेंसीज हैं वो हैं आपकी टोटल 19, जिसमें UR की हैं 10, SC की हैं 3, ST की हैं आपकी 1 और OBC की 4 हैं, EWS की 1 है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो जूनियर टेक्निकल एसोसिएट इलेक्ट्रिकल की है वो आपकी 12 हैं और आपकी SNT वाली 10 वैकेंसीज हैं, ठीक है। ये आपका बाकी और भी ब्रेकअप है कैटेगरी वाइज, तो ये आप देख ही सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, ये है आपका, इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, तो ये आप देख ही सकते हो। यहाँ पर जो जूनियर टेक्निकल एसोसिएट हैं वर्क्स वाले, उनके लिए जो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो है कि भाई 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर आपको BSc की होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग 3 साल की, ठीक है, या फिर आपका कॉम्बिनेशन हो किसी भी सब स्ट्रीम और बेसिक स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, क्लियर है। या तो आपके पास में BSc हो, 3 साल का कोई डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास क्या हो 4 साल की BTech डिग्री हो सिविल इंजीनियरिंग में, और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम और बेसिक स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। यानी कि आपके पास में सिविल इंजीनियरिंग एक स्ट्रीम होनी चाहिए, इसके अलावा आपके पास में और कोई सब स्ट्रीम हो तो वो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलर इसमें ऑनर्स नहीं मांगी है, ठीक है, बात यह है कहने की। खैर, इसके बाद जूनियर टेक्निकल एसोसिएट इलेक्ट्रिकल की में क्या बोला गया है, भाई 3 साल का डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए कोई और सब स्ट्रीम का, उसके साथ के साथ आपका ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो और में है वो है आपका 4 ईयर्स का बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम या फिर बेसिक स्ट्रीम जो है आपकी ये दी ही गई है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, क्लियर है। इसके अलावा जो आपकी तीसरी वैकेंसी है जूनियर टेक्निकल एसोसिएट टैली SNT की, इसकी क्वालिफिकेशन है आपकी, तो यहाँ पर आपको चाहिए है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर आपका CS की जो ब्रांच है कंप्यूटर साइंस वाली, या फिर आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यानी बेसिकली आपका जो है जो सॉफ्टवेयर वाले जो टेक्नोलॉजिकल आपकी जो स्ट्रीम होती हैं उनसे आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाले फॉर्म भी आप फिल कर सकते हो, या तो आपकी क्या होना चाहिए 3 साल का डिप्लोमा वही चीज़ है, या फिर आपका किसी सब स्ट्रीम के साथ में बेसिक स्ट्रीम ये होनी चाहिए, ठीक है ना। ये मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी स्ट्रीम है आपकी, बेसिक कंप्यूटर साइंस है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पर आपका इसके अलावा चाहे वो फिर आपका BTech हो जाए, BTech हो आपका किस में इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स में IT में कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर आपका कोई भी इसके साथ में कॉम्बिनेशन दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको बैचलर्स डिग्री में मिनिमम आपकी होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए 60%, OBC के लिए 55% और SC ST के लिए 50%, क्लियर है। इसके अलावा अब जो एज लिमिट है वो है UR की 18 से लेकर 33 ईयर्स की, OBC के लिए 18 से 36 और 18 से 38 आपकी SC ST वालों के लिए। प्रोसेसिंग फ़ी आपकी जो है वो ₹500 है, ठीक है, जिसमें कि आपको ₹400 जो है वो रिफंड कर दिए जाएंगे। कब किए जाएंगे, जब आप पर्सनालिटी या फिर इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए जाओगे। और देखो यहाँ पर आपका कोई बेसिक एग्ज़ाम है नहीं अब, और हाँ ये जो आपकी फ़ीस है SC ST OBC वुमेन और माइनॉरिटीज़ वाली उनकी ₹250 है, ठीक है, और ये UR के लिए, क्लियर है।
खैर अब जो है आपका इसमें कोई बेसिक एग्ज़ाम है नहीं, यहाँ पर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर आपका बस बेसिक इंटरव्यू होगा, कोई सिलेबस यहाँ पर आपका है नहीं, बस आपको क्वालिफ़िकेशन देखी जाएगी। क्वालिफ़िकेशन के आपको 55 मार्क्स मिलेंगे, एक्सपीरियंस के आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, और जो पर्सनैलिटी यानी कि बाद में जो आपका इंटरव्यू होगा उसके आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। इससे आपके टोटल 100 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट हो रहे होंगे, क्लियर है। अब ये अगेन आपकी कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका ये आप बाद में देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार बोल के, तब भी जब 50 मार्क्स आपको किस किस के मिलेंगे, यहाँ पर आपको सेकंड वाला ये जो लिखा हुआ है 50% ऑफ ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेंड इन डिप्लोमा डिग्री सिविल इंजीनियरिंग द मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड एज एक्सप्लेन्ड इन फर्स्ट अबव, यानी कि आपका ये जो क्राइटेरिया दिया गया है इसका इसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ से 50% पूरी परसेंटेज मार्क्स के यहाँ से आपके इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। और 5 नंबर का वेटेज दिया जाएगा हायर एजुकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग, क्लियर है, बीटेक हो एमटेक हो जो भी हो। इसके अलावा एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर टीए वर्क्स का या फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग का, तो उसके आपको 30 नंबर अलग से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ आपका मार्क्स का ब्रेकअप दिया गया है, ये मैं आपको पूरी की पूरी नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप देखते रहना आराम से। बेसिक आपका यही है, जो बेसिक बातें वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये सब चीज़ें आप देख लेना। और जो आपका सिलेक्शन होगा वो प्योरली मेरिट बेसिस पर होगा, ठीक है। जब भी आपके पूरे मार्क्स बन रहे होंगे इस तरीके से वो आपको पूरा मिल जाएगा। अगर आपको ये चीज़ भी समझ में नहीं आया, मैं आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं आया समझ में तो बताना कमेंट सेक्शन में, एक वीडियो में हम इसका अलग से ये सारी चीज़ समझ लेंगे, क्योंकि वीडियो हो रही है आपकी कुछ ज़्यादा ही बड़ी, और नोटिफिकेशन वीडियो ज़्यादा बड़ी बनाने का कोई मतलब होता नहीं है। खैर यहीं पर सेशन को एंड करता हूँ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।